हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हम पढ़ रहे थे क्लास 7। उसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहते हैं और हम ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं पृथ्वी से। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या आप ये जानते हैं? तो वो हम आज देखेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो एक स्थिर है, ठीक है, हम एक स्थिर सतह पर खड़े हुए हैं। लेकिन नहीं, जो हमारी पृथ्वी है वो लगातार उसमें गति हो रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और उसके साथ सन का भी चारों तरफ चक्कर लगाती है। इवन जिस टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, वो भी जिस पर हम खड़े हुए हैं वो भी लगातार गतिशील रहती हैं, धीमी गति से रहती हैं। तभी भूकंप वगैरह आते हैं, तो वो कभी आपस में टकराती हैं प्लेट्स, तो कभी क्या होता है एक दूसरे से दूर जाती हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के पार्ट है। इसलिए हमारी पृथ्वी है वो लगातार गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर और बाहर दोनों जगह चेंजेस होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है और वो किन चीज़ों से बनी हुई है, ये हम आज देखेंगे। इससे पहले आप देखिए, साइड में दिया है, क्या आप जानते हैं? फिर देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इस तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, जो पृथ्वी है उसकी अंदर मतलब काफ़ी गहराई पर जाएंगे तब आपको उसका कोर मिलता है, बिल्कुल अंदर जो है। लेकिन कोर तक जाने के लिए बहुत गहराई तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अभी इंसान कहाँ तक गया है? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो एक खान है उस 4 किलोमीटर गहरी है, बस उस 4 किलोमीटर तक वहाँ पर इंसान जा चुका है पृथ्वी के अंदर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। इवन 6 किलोमीटर तक अंदर तक हम देख चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कोर में जाना है तो आपको पहले तो समुद्र की सतह पर जाना पड़ेगा। देखिए समुद्र कितना गहरा होता है, उसके बाद भी आपको 6000 किलोमीटर अंदर खोदना होगा, तब आप जाके जो उसकी कोर सतह है उस पर आप पहुंच पाएंगे, जो कि संभव नहीं है। जो इंसान है वो तो सिर्फ 4 या 6 किलोमीटर तक ही खोद पाया है, देख पाया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है हम ये देखेंगे। साइड में आपको एक चित्र दिख रहा होगा। तो देखिए, सबसे बीच में है आंतरिक क्रोड, जिसको हम कोर कहते हैं। उसके ऊपर होती है बाह्य क्रोड, जिसको हम बाह्य कोर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोर और मेंटल की सीमा हो आती है। फिर आता है मेंटल, ठीक है, मेंटल के ऊपर आती है परपटी, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके ऊपर होता है स्थल मंडल, इस तरीके से होता है, ठीक है। कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये चीज़ें होती है। सबसे पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर आता है। तो देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। देखिए, जब आप प्याज लेंगे और अगर आप प्याज को खोलेंगे तो देखिए एक परत निकलेगी, फिर दूसरी परत निकलेगी। इसी तरह पृथ्वी के अंदर भी परतें हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो सबसे ऊपरी परत है उसको कहते हैं क्रस्ट या परपटी, सही है ना, परपटी, हाँ ठीक है, इसको क्रस्ट कहते हैं, सबसे ऊपरी परत। और ये सबसे पतली है, यह सबसे पतली परत होती है, ऊपर की जो परत है। यह महाद्वीपीय सनहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। जो हमारी ऊपर का भाग है क्रस्ट, ठीक है, वो जो हमारे महाद्वीपीय भाग है, मतलब जो स्थल का भाग है वहाँ पे, वो 35 किलोमीटर, और समुद्र का जो भाग है वहाँ पे सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही गहरी पर है, गहराई पे है, ठीक है। महाद्वीपीय सनहती मुख्य रूप से सिलिका या एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। जो आप अगर जो महाद्वीप जो स्थल का भाग है उस पर आप पूछेंगे अगर कि किससे बनी हुई है जो हमारा क्रस्ट है, तो वो सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है। इसलिए इसे सीएल कहते हैं। सीएल मतलब सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना। तो ऊपर का जो भाग है महाद्वीप में वो किससे बना हुआ है, सीएल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। लेकिन जो महासागर है, आप महासागर में देखिए कितना पानी होता है, उसके नीचे जाके आपको स्थल मिलेगा, मतलब लैंड मिलेगी काफ़ी अंदर जाने पे। तो वहाँ पर जो परपटी होती है क्रस्ट, वो किससे बना होता है, तो वो सीमा से बना होता है। सीमा से सी से सिलिका और एम और मै से मैग्नीशियम, ठीक है, जिसको हम सीमे या सीमा कहते हैं। तो ऊपर क्या था, सिलिका और एल्यूमिनियम, उसके नीचे होता है सिलिका और या और मैग्नीशियम, जो महासागर का क्षेत्र होता है वहां पर। देखिए, परपिटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, ठीक है। अब उसके नीचे क्या होगा, क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है और मेंटल के नीचे क्रोड यानी कोर होता है।
अब देखिए ये चित्र भी देख लीजिए, साइड में देखिए महाद्वीप है, पर्पटी क्रस्ट दिया हुआ है, महाद्वीप दिए हुए हैं, महासागर, और महासागर के नीचे महासागरीय पर्पटी यानी महासागरीय क्रस्ट। देखिए इसमें दिया हुआ था कि जो मेंटल होता है इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड यानी कोर होती है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी होती है तथा इसे निफे, नी से निकल और फे से फेरस कहते हैं। जो सबसे अंदर का भाग है वो किससे बना हुआ है? निफे से, निकल और फेरस से बना हुआ है। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। अगर आप सेंटर में जाएंगे ना, बिल्कुल जहाँ कोर है अर्थ का, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है और वहाँ का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी यानी क्रस्ट है? सिर्फ जो पृथ्वी का आयतन है उसका 1% हिस्सा ही क्रस्ट है। 84% क्या है? मेंटल है, और 15% कोर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब देखिए शैल और खनिज। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत तरीके के शैलों या खनिजों से बनी हुई है। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन के भी हो सकते हैं। ये जो शैल है वो कई कई अलग अलग कलर के, ठीक है, आकार के और गठन के होते हैं। देखिए मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय, इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल और कायंत्रित मेटामॉर्फिक शैल। तो जो हमारे शैल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को अग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब हमारा ज्वालामुखी होता है, जब वो फूटता है तो उसमें से मैग्मा, गर्म धातु मतलब निकलती है काफ़ी पिघली हुई, तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। जो जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद जो शैल बन जाता है कठोर होकर, उसको हम कहते हैं अग्नेय शैल, इग्नियस शैल। इन्हें प्राथमिक शैल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बने अग्नेय शैल। अग्नेय शैल 2 टाइप के होंगे: अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। इसके देखिए शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, साइड पे देखिए इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, अग्नि मतलब गर्म मैग्मा से बना हुआ है, इसका अर्थ है लैटिन में अग्नि। सेडिमेंट्री शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बना है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो अभी आप समझेंगे ऐसा क्यों है। देखिए क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? जब ज्वालामुखी फूटता है तो काफी गर्म लावा निकलता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो सबसे मतलब आपको लाल काफी गर्म और पिघला हुआ जो मैग्मा निकलेगा उसको ही हम लावा कहते हैं। जब वो बाहर निकल जाता है तो हम उसको लावा कहते हैं, अंदर रहता है तो मैग्मा बोलते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, लावा जो है वो बाहर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब ये लावा बाहर आता है तो क्या होता है, ठंडा होता है और ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी अग्नि शैल कहते हैं। अब ये जब लावा बाहर आया और ठंडा हो गया तो इससे जो शैल बनेंगे उनको हम अग्नि शैल कहते हैं, बहिर्वेदी। ठीक है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए बेसॉल्ट। इनकी संरचना कैसी होती है, इनके दाने बहुत महीन होते हैं, जैसे कि बेसॉल्ट। हमारा जो दक्कन का पठार है वो क्या है, वो भी बेसॉल्ट शैलों से ही बना है, यानी वो भी ज्वालामुखी के लावा से ही बना है, जो हमारा दक्कन का पठार है। लेकिन देखिए अभी वहाँ आपको कोई ज्वालामुखी नहीं दिखेगा। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। जो मैग्मा है वो कभी कभी अंदर भी ठंडा हो जाता है, ठीक है, जो हमारे क्रस्ट है उसके अंदर। इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। देखिए अगर अंदर ही मैग्मा ठंडा हो गया तो उसको हम अंतर्भेदी शैल कहते हैं, अंतर्भेदी। ठीक है, मतलब अंदर है ना, अंतर्भेदी। और अगर बाहर जाके बहिर्भेदी, मतलब बाहर जाके अगर ठंडा हुआ है तो उसको बहिर्वेदी अग्नि शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। जो अंदर बनता है ना अंतर्वेदी अग्नि शैल, वो बड़े बड़े दानों के रूप में होता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। लई, मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। देखिए फ्रेंड, जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो शैल होते हैं, पत्थर होते हैं, या जो मैग्मा या लावा निकलता है उसके बीच अगर कोई मरे पौधे हो, जंतु हो, तो उनके जो अवशेष होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल।
तो देखिए, शैल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। जो हमारे अग्नि शैल बन गई थी, मैंने आपको बताया था, तो क्या हुआ कि जब वो एक दूसरे से टकराएंगे, टूटेंगे, है ना, हवा से, बारिश से, तो क्या हुआ, टकरा के वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और जब वो इकट्ठे होते जाते हैं तो उनका अवसाद, मतलब एक जगह इकट्ठे हो गए, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये अदृढ़ अवसाद दबकर तथा कठोर होकर शैल की परत बन जाते हैं। जब एक जगह पर ये चट्टानें इकट्ठी हो गई, अवसाद इनमें, देखिए अभी टूट कर आए हैं तो इनमें क्या होगा कि जीवाश्म भी आ जाएंगे, है ना, मृत पौधे जंतु भी इनमें मिल जाएंगे। तो जब ये एक जगह जमा हो जाते हैं, उन पर खूब दाब पड़ता है, कठोर होके ये एक शैल बन जाते हैं। इस प्रकार की शैल को हम क्या कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है, ठीक है, जैसे कि रेत हो गए। इन शैलों से पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, इसमें हमें फॉसिल भी मिलता है। साइड में एक चित्र दिया है, कायांत्रित शैल में परिवर्तन, अवसादी शैल। अब देखिए कायांत्रित शैल क्या होता है, अग्नेय तथा अवसादी शैल उच्च दाब और दाब के कारण कायांत्रित शैलों में परिवर्तन हो जाते हैं। जो हमारी अग्नेय शैल थी, अवसादी शैल थी, जब उस पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा तो वो कायांत्रित शैल में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो संगमरमर है और स्लेट है, वो इसके उदाहरण है कायांत्रित शैल के। अब देखिए फ्रेंड, जो शैल होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैल का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने में किया जाता है। जो शैल होते हैं ना, वो हमारे लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि हम उनसे घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, इमारत बनाते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कर कई खेलों में करते हैं, खेल में भी हम यूज कर लेते हैं पत्थर को, तो चलिए आप सबने भी खेला होगा, है ना, टीपू वगैरह जो भी हैं इनके नाम अलग अलग। अब देखिए लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है ना, और ताजमहल क्या है, सफेद संगमरमर से बना है। संगमरमर मैंने आपको क्या बताया था, कायांत्रित शैल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इन शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। अब देखिए, जो अग्नेय शैल और अवसादी शैल और कायांत्रित शैल थी, ये तीनों ही एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, और इनके परिवर्तन होने को हम शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। जब हमारा मैग्मा है वो ठंडा होगा, ठोस होगा, तो वो अग्नेय शैल बन जाएगा। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। जब अग्नेय चट्टान जो होती है वो जब टूटती है तो टूट कर एक जगह इकट्ठा होकर क्या बनाती है, अवसादी शैल। और जब इन दोनों में ताप और दाब बहुत ज्यादा लगता है तो क्या होता है, अग्नेय और अवसादी शैल कायांत्रित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांत्रित शैल पुनः पिघल कर क्या हो जाते हैं, द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो और प्रेशर हो तो ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एक आपको चित्र दिया हुआ है कि देखिए पहले मैग्मा निकला है ना, ऊपर देखिए, उसके बाद देखिए राइट साइड में अग्नेय शैल बन गया। उससे अग्नेय शैल से क्या हुआ, टूट टूट के अवसाद बन गए तलछट, उससे बन गया इकट्ठा होकर अवसादी शैल। अवसादी शैल जो होंगे वो भी क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या बन जाएंगे, कायांत्रित शैल। और दोनों जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा तो वो मैग्मा में दोबारा चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से इनका एक चक्र चलता रहता है, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। शैल जो है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है। जो शैल होते हैं वो विभिन्न खनिजों से बनते हैं अलग अलग, ठीक है। और खनिज क्या है, वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है। जो खनिज होते हैं उनका हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे ईंधन फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, कोयले का, प्राकृतिक गैस का और पेट्रोलियम का। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। तो ये हमें खनिज कई सारे मिलते हैं। तो देखिए, जो पेट्रोल वगैरह होता है ना, वो जीवाश्म से आपको मिलता है, फॉसिल फ्यूल से, है ना, कोयला हो गया, तो ये आपको अवसादी चट्टानों में मिलेगा या कायंत्रित। लेकिन आपको जो अग्नेय शैल है उनमें आपको ये नहीं मिलेंगे, जो जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि वहाँ उसमें क्या होता है, जो जीवाश्म फॉसिल होता है वो इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो अग्नेय शैल में नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अवसादी और कायंत्रित शैल में आपको ये मिलता है फॉसिल फ्यूल। तो फ्रेंड्स, बस ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी।
किस तरह कितनी शैल होती हैं, कितने टाइप की, तीन टाइप की होती है, अग्नि शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल। और पृथ्वी में कौन कौन सी परतें होती हैं, क्रोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।